मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। इस वीडियो के अंदर जो आप बटन देख रहे हैं माउस का स्क्रॉल व्हील बटन, इसके मैं आपको पांच उपयोग बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। जो ये बटन, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं आपके विंडोज कंप्यूटर के अंदर, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसके लिए हम एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं ताकि जो उदाहरण है उसको हम ढंग से समझ सके। देखिए, सबसे पहला उपयोग तो सभी लोग जानती है कि इसके द्वारा हम किसी भी वेब पेज या किसी भी डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ये इसका बेसिक यूज़ है। लेकिन इसके अलावा जो मेन टिप्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे टिप्स के बारे में। देखिए, कोई भी लिंक दिख रहा है, देखते हैं ना आप वेब ब्राउजर के अंदर, उस पर जो ये बटन है ना, इसको आप एक बार दबा देंगे ना तो जो लिंक है वो एक नए टैब के अंदर ओपन हो जाता है। आप कौन सा भी ब्राउजर यूज़ करते हो, बस आप उस लिंक पे बीच वाला बटन दबाना है और वो अपने आप टैब ओपन हो जाएगा। आपको लेफ्ट क्लिक करके न्यू टैब का ऑप्शन नहीं को करना, बस ये दबा दीजिए, आपका काम शॉर्टकट में हो जाएगा। तो ये दूसरा टिप्स है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार है, बिल्कुल सरल है और शॉर्टकट है। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ तीसरा। देखिए, ये ओपन तो हमने कर लिया है, अगर आप वापस इस बटन को एक बार दबाएंगे ना तो ये आपके जो न्यू टैब है ना ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। बस एक बार दबा दीजिए, अपने आप कट जाएंगे। यानी आपको जो क्रॉस बटन उस पर नहीं क्लिक नहीं करना, बस बीच इसको दबा दीजिए, ये ऑटोमेटिक आपके जो वेब न्यू टैब है उसको क्लोज कर लेगा। तो ये था दोस्तों इसका तीसरा टिप्स। अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों इसका चौथा टिप्स। देखिए, जो आप बीच वाला बटन आप जोर से प्रेस कर दीजिए, एक ऐसा एरर आ जाएगा, मतलब एक ऐसा आ जाएगा गोल गोल बिंदु, फिर आप इसको थोड़ा माउस नीचे सरका दीजिए, माउस ऑटोमेटिक नीचे मूव होने लगेगा, और माउस को थोड़ा ऊपर करेंगे ऑटोमेटिक माउस ऊपर मूव होने लगेगा। यानी आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अप होगा, ऑटोमेटिक डाउन होगा। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो इसके द्वारा क्लिक कर लीजिए, एक आपका काम ऑटोमेटिक होने लगेगा। अभी मैं आपको लास्ट और फाइनल ट्रिक बताने जा रहा हूँ, पांचवा। देखिए, अगर आप आपका जो वेब पेज है इसको जूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन साथ माउस का जो स्क्रॉल व्हील बटन है उसको ऊपर कीजिए, जूम हो जाएगा, नीचे कीजिए, जूम कम हो जाएगा। इसके अलावा ये MS वर्ड में, MS ऑफिस में भी ये काम करेगा, जिसमें आप जूम भी कर सकते हैं, जूम अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, माउस के पांच जो स्क्रॉल व्हील बटन है उसके पांच उपयोग बताए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।